भाई आप क्या कहना चाहते हैं? उमर मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। मिस शकीला ने बॉस को खुश कर दिया होगा। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं रिजाइन दे रही हूँ। एक साल तक तुम यहाँ से जॉब छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर जॉब छोड़ी तो इसके एवज तुम्हें कंपनी को 50 लाख रुपए देने होंगे। फोन मिलाए पुलिस को और पकड़वाए इसे। पुलिस शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा था, मोहब्बत की थी तुमसे, और तुमने मेरी मोहब्बत का जवाब फरेब से दिया, धोखे से दिया, यहां तक कि मेरी बहन तक को नहीं छोड़ा। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर सच में तुमने मुझसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत की होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते जो तुमने मेरे साथ किया। और आज हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होके एक दूसरे को इल्जाम नहीं देते, और अब तुम मुझसे यहां बदला लेने आए हो अपनी मोहब्बत का, अपने टूटे हुए दिल का, जो मैंने नहीं बल्कि तुमने खुद तोड़ा है अपने हाथों से। मगर फिर भी तुम मुझे ही उसका कसूरवार समझ रहे हो, इसलिए तो हसन के कहने पर भी तुमने जाने से मना कर दिया बहाना बना के। बहुत रोना आ रहा है तुम्हें उमर की बातों पर, उसके रवैये पर। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इंसान जो बोता है उसे वही काटना पड़ता है। पहले तुमने उमर का दिल तोड़ा, फिर हसन से शादी की, मेरा घर तोड़ा। तो तुम्हें क्या लगता था कि मैं चुपचाप बैठी हुई ये सारा तमाशा देखती रहूंगी? इसीलिए आपने उमर को यहां बुलाया है ताकि आप मुझसे बदला ले सके। क्या बात है, आपको जरा तकलीफ नहीं होगी? आप अपने भाई की मोहब्बत का इस्तेमाल करेंगी, उसके जज्बात से खेलेंगी, उसके एहसास से खेलेंगी, जरा तकलीफ नहीं होगी? तो ठीक है, अगर आप मुझे और हसन को तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आपको आपके बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। मेरा भी तुमसे ये वादा है चंदा, मैं तुम्हें इस घर में टिकने नहीं दूंगी। सर वो मेरा फोन तो मुझे दे दे। अबे रेप के इल्जाम में पकड़े गए हो और ऊपर से मोबाइल मांग रहे हो? भाई मेरे सब झूठ है, मेरा यकीन करो, मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि उल्टा वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। और आपने उसका फायदा उठा लिया। भाई कैसी बातें कर रहे हो, मैं उस लड़की को मुसलसल समझाता रहा हूँ मगर वो समझने को सुनने को भी तैयार नहीं थी कुछ। तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे थे उसे? अगर ऐसी बात थी तो आप पढ़ाना छोड़ देते उसे? आप फिर भी उसे पढ़ाते गए, इसका मतलब ये है कि चोर आपके दिल में। और आपका टाइम तो शाम का था, फिर आप उसे जल्दी पढ़ाने चले गए ओ। क्योंकि आपको पता था कि दिन के वक्त उसके घर पर कोई नहीं होता,
इसलिए आप उसको अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए उसके घर चले गए। झूठ है ये, सरासर बकवास है। मैं उसे इसलिए जल्दी पढ़ाने के लिए गया था कि उसने मुझे कहा था कि शाम को उसे शादी में जाना है। ये ड्रामे और ये कहानियां अब अदालत में जाके सुनाना, और अगर वैसे यहां कोई चीज चाहिए हो तो ले देकर काम चला लेंगे। तो कह रही हूँ पुलिस को कहकर ऐसा पक्का केस बनवाए कि सारी जिंदगी अंदर गलता सड़ता रहे। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि अनीला का मेडिकल होना जरूरी है। क्या अम्मी, मेडिकल क्यों? मेडिकल क्यों मतलब अब हॉस्पिटल जाकर वहां ढंडोरा पीटेंगे, अखबार वाले इकट्ठे हो जाएंगे और टीवी वाले इकट्ठे हो जाएंगे, हेडलाइंस बन जाएंगी। इसका मतलब है हमारी इज्जत का तो जनाजा निकल गया। इन सब का सामना करना पड़ेगा, ये सब सहना पड़ेगा। पुलिस बाहर खड़ी है अनीला को अपने साथ ले जाने के लिए। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अम्मी बस आप उन्हें मना कर दें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं देखो शकीला, तुम्हें स्टाफ की बातों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उनसे बात करूंगा, और जैसा तुम्हें उनकी बातों से लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं सारे स्टाफ के साथ ऐसे ही बिहेव करता हूं। कभी किसी के साथ कोई सख्ती नहीं की मैंने, क्योंकि जिन मुश्किलात और परेशानियों के बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं भला किसी के साथ सख्ती कैसे कर सकता हूं। तुम नहीं जानती, तुम्हें बातें सुनाने वालों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चों के एडमिशन की फीस के लिए पैसे मैंने दिए थे उन्हें। अगर किसी बच्चे का कोई इलाज हो तो उसकी पेमेंट भी मैं ऑफिस से करवाता हूं। फिर मैं तुम्हारी जरूरत पे खामोश कैसे रह सकता? तुम फिक्र मत करो प्लीज, अब तुम्हें उनकी बातों से कोई शिकायत नहीं होगी। अब तो तुम्हें शायद यकीन आ गया होगा मेरी बातों पर। अब मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो गया, खालिद मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसे वैसे इंतजार किसका होता है, तुम्हारा या तुम्हारी खिदमत का जो तुम घर जाके उसकी करती हो। खैर, मैंने एक लेडी डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लिया है, इस हालत में तुम्हें अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। तुम कल रिसेप्शन वाली लड़की के साथ चली जाना, अगर चाहो तो मैं भी साथ चल सकता हूँ। नहीं, सहमत की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे ये शायद शकीला का भूल गई। जी शकीला मैम को भेजे मेरे पास प्लीज। जा चुकी हैं? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। हेलो, ये हसन साहब का घर है। आप कौन? आप चंदा बाग कर रही हैं? उनकी वाइफ जी। ना तो यहाँ पे कोई चंदा है और ना ही ये हसन का घर है, ये मेरा घर है और इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना। आपकी
क्या हुआ अम्मी? इतनी देर हो गई, हसन मुझे लेने नहीं आया अभी तक। अल्लाह खैर करे, कहीं बिजी होगा, आ जाएगा। अम्मी कहाँ बिजी होंगे, नंबर भी बंद जा रहा है उनका। तो सिग्नल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, परेशान मत हो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं आप रहने दें, शकीला आएगी तो साथ पी लेंगे हम लोग। अरे वो बेचारी अभी कहाँ से आएगी, और आते ही सीधे उस खालिद के पास जाएगी, उस मनहूस इंसान को खाना वाना देगी और दवा देगी, तब जाके उसे फुर्सत मिलेगी। मुझसे भी उसकी अब कम कम बात होती है, सुबह सुबह जाती है और शाम को आती है, और आते ही उस खटिया इंसान की तीमारदारी में लग जाती है, जो एक तो उसकी कमाई पर पल रहा है, ऊपर से उस पर धौंस जमाता है। क्या शकीला सुन लेती है अम्मी? तो और क्या करे बेचारी, अपने बच्चे के लिए उस खटिया इंसान को अपने गले की घंटी बनाकर बैठी है, जो दिन रात टन टन करती रहती है। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा खाना देखती। इधर नोट गिनता रह जाए और उधर शकीला भाभी। क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे थे? कहना ये चाहता हूँ कि शकीला भाभी जवान है, खूबसूरत है, और आगे तुम समझदार हो। अस्सलाम वालेकुम। तब देखा तुमने क्या हो रहा है, छह बज रहे हैं, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। ट्रैफिक? कौन सा ट्रैफिक? रोज उसी सड़क से आती हो ना, सवा पांच बजे घर पहुंच जाती हो, आज छह कैसे बज गए? क्या रास्ता बदला है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है बोलो। शकीला एक बात तुम्हें बता दूं, ये ट्रैफिक व्रैफिक के बहाने किसी और को देना, कराची का चप्पा चप्पा नापा हुआ है मैंने, अच्छी तरह जानता हूं कौन सी सड़क पे कितना रश होता है और कितना वक्त लगता है। सही सही बताओ कहां थी और किसके साथ थी? ये कैसी बातें शुरू कर देते हैं आप रोजाना मेरे घर आते ही। वैसे ही जैसी मुझे करनी चाहिए। तुम क्या समझती हो कि मैं इस तरह इस व्हील चेयर पर मजबूर बैठा रहूंगा और तुम बाहर अपने यारों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुलछर्रे उड़ाती फिरोगी? चीर के रख दूंगा मैं तुम्हें। मेरा नाम खालिद है। हाँ, आपसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। जिसकी जैसी सोचो वो वही कहता है और वही करता है। बहुत ज़बान चलने लगी है ना तेरी, अपने यारों से सीख कर आ रही है ना। मैं तुझे बताता हूँ किसकी क्या औकात है, चल इधर। हसन से बात हुई? नहीं अम्मी, का नंबर बंद जा रहा अभी तक। तो ऑफिस फोन करके देख लो या किसी दोस्त से पूछ लो। मैंने ऑफिस फोन किया था, वो कहने लगे कि वो दोपहर में चले गए थे यहाँ से। अच्छा खैर तुम परेशान मत हो, किसी काम में मसरूफ हो गया होगा। शकीला भी आ गई होगी, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, ये साथ बैठकर खाना खाएंगे, तब तक हसन भी आ जाएगा। तुम जरा ये हांडी देखो, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, परेशान मत हो। मेरी
बेटी के साथ? शकीला, शकीला, शकीला तुझे क्या हुआ? शर्म नहीं आई तुम्हें इसकी करते हुए? शकीला, शकीला मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हुआ? शकीला, 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 मेरा बच्चा, शकीला को कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्लाह खैर करेगा, बस तुम दुआ कर, अल्लाह रहम। अम्मी अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं खालिद को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। पता नहीं शकीला की साल में होगी, उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे तो इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। इस हालत में मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? या अल्लाह, मैं क्या करूंगा? सर्वर को फोन करता हूं कि वो अस्पताल जाकर पता तो करे कि शकीला किस हालत में है। हेलो वहाँ सर्वर। खालिद, इस वक्त फोन, खैरियत? यार वो शकीला ऑफिस से लेट आई तो मुझे गुस्सा आ गया और बस गुस्से गुस्से में मैंने उसे पीट दिया। यार गिर गई जमीन पर। तुझे तो पता है वो माँ बनने वाली है, उसको घरवाले हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन कोई खबर नहीं आई अभी तक। मगर तुमने उसको पीटा क्यों? यार बस तेरी बातें दिमाग में चल रही थी, बस दिमाग सटक गया मेरा, तुझे तो पता है मेरा। इस तरह की कोई बात मेरे दिमाग में फंस जाए जाके तो फिर मैं क्या करता हूं? यार बस तू मालूम कर ले क्या हुआ है, मैं इस हालत में कहां जाऊंगा अगर कुछ हो गया यार। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाके पता करता हूं, मुझे फोन करके बताना। डॉक्टर साहबा, हमारी बच्ची तो खैरियत से है ना? जी अब वो पहले से बहुत बेहतर है, परेशानी की बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। डॉक्टर साहबा वो बच्चा वो भी खैरियत से है ना? आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। क्या? जिस वक्त आप पेशेंट को यहाँ लेकर आई थी उस वक्त उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो इंटरनली इंजर्ड थी, जिसका सीधा इफेक्ट बच्चे पर हुआ था। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, शकीला भी ठीक हो जाएगी।